हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2023 में आ चुके हैं। सेकंड डीवी का एबसेंट और मेडिकल अनफिट लिस्ट जारी हो गया है, तो थर्ड डीवी की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे आरआरसी बदलना पड़ेगा। आरआरसी के नाम सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, तो चलिए साउथ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ अपडेट फ्लैश होने लगा है। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले तो सेकंड डीवी में एब्सेंट वाला कैंडिडेट यहाँ मिल जाएंगे, बाकी आपको मेन पेज पे फ्लैश होते हुए मिलेगा। तो यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो पहले से ही मेरे पास है, मैं इसको सेकंड डीवी का एब्सेंट लेता हूँ, 22/9 को आ गया था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल 23 कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे। दूसरे लिस्ट में चलेंगे, इसको अब हटाने दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, अब दूसरे लिस्ट में चलेंगे। दूसरे लिस्ट के लिए यहाँ पे न्यूज फ्लैश आ रहा है, इसको इंटीमेशन वाला देख लीजिएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको 9/10 के डेट में आपको दिखेगा जो कैंडिडेट हैं जो सेकंड डीवी में है, जिनकी मेडिकल फिटनेस लोअर स्टैंडर्ड है, उन सारे कैंडिडेटों का नाम दे दिया है। और टोटल 30 कैंडिडेट हैं, इनको मेडिकल अपील करने का चांस दिया जाता है पीसीएमडी के लिए, जिसमें इन्होंने 2-3 परफॉर्मा दे के आपको अपील करने का टाइम दिया गया है। आपको लगता है कि मेडिकल में कोई गलती है तो आप इस अपील को 1000 के डीडी के साथ अपील करके पीसीएमडी को जमा करा सकते हैं। और जमा कराने के इन्होंने कोई एक डेट निर्धारित किया होगा, वो डेट मैं ढूंढ रहा हूँ, 8/11 तक आपको जमा करना है। तो यहाँ हो गए 30 कैंडिडेट और 13 कैंडिडेट उधर, 23 कैंडिडेट उधर। 30 और 13 अगर जोड़ेंगे तो 23 जोड़ेंगे, यानी 23 और 30 यानी 53 हो गए। और 53 के अलावा एक और लिस्ट यही न्यूज़ में फ्लैश कर रहा है, वो फ्लैश में आपको दिखेगा। एक मिनट, वो है आपका वो कैंडिडेट का जो कैंडिडेट को अभी मेडिकल के कारण कुछ टेम्प्रोरी अनफिट और कुछ और अलग अलग कारण है, ये भी करीब 16-17 कैंडिडेट हैं। यहाँ से नोटिस फॉर रीमेडिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन वाला सेकंड फेज डीबी के लिए था, साथ में है, अलग है, देखना पड़ेगा एक बार। नोटिस फॉर दी पेंडिंग वाला, यहाँ से कुछ कैंडिडेट का पेंडिंग भी है, वो वाला लिस्ट है, तो ये भी 9 तारीख का है। तो ये 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको टेम्प्रोरी अनफिट वगैरह दिया है, हालांकि इसमें से कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जिनका एब्सेंट फॉर मेडिकल, 7 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, ये अगर दोबारा मेडिकल करा लेते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। टेम्प्रोरी अनफिट वाले भी फिट हो सकते हैं बाद में, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं। और टेम्प्रोरी अनफिट नॉट रिस्पोंडेंट टू नोटिस, इनको नोटिस भेजा गया है, वैसे कैंडिडेट भी हैं 11 कैंडिडेट, यानी 20 कैंडिडेट को ये भी जोड़ ले, 73 कैंडिडेट हो गए टोटल एब्सेंट। और अगर कहें टोटल यहाँ पे कितने लोगों के सेकंड डीवी में बुलाया था, अब थर्ड डीवी की क्या कंडीशन है, तो सिकंदराबाद का एक बार डाटा आपको लेके अपने पीडीएफ के माध्यम से बताता हूँ। तो 569 लोगों को सेकंड यहाँ पर ओरिजिनल थर्ड पैनल में आए थे, और वैकेंसी बच गई थी 532 सब कुछ होने के बाद, जो अब तक पैनल आए हैं उनके बाद से। तो 632 अब यानी प्रोविजनल पैनल हम उसको भी शामिल कर रहे हैं, जो 5/10 को अभी 2-3 दिन पहले आया था उसको भी, और तो 632 बच गए थे। 632 में तो 70 यहीं सेकंड डीवी से हो गए, पहले कुछ के होंगे, किसी का ये जो पहले वाला स्टेटस है टेम्प्रोरी अनफिट वगैरह वगैरह वो भी ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहिए कि थर्ड डीवी आने वाला है, 500 के आसपास तो है ही है। तो अब देखिए कितने लोगों को उसमें आता है और कैसे होता है आगे की प्रोसेस में, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी और वेट करना पड़ेगा। थर्ड डीवी का कब आएगा ये डेट किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन आएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।